हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो देखूंगा ऑडियो वीडियो जो सिस्टम होता है सीआरटी टीवी का अंदर, जो ऑडियो वीडियो सिस्टम वो कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही खास होगा, तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा, और ड्राइंग के साथ आपको बहुत कुछ समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली सीआरटी टीवी जो चाइना किट होता है मिडली, ये चाइना किट का ऊपर आपको देखाऊंगा, लेकिन जो ब्रांडेड पीसीबी होता है उसके ऊपर भी आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सभी टीवी का अंदर इस तरह ऑडियो वीडियो इनपुट और आउटपुट का ये पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग पीसीबी का जो टाइप अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन तीनों ये जो चाइना का पीसीबी है, ये साइड ये जो येलो वाला ये वीडियो इनपुट का पॉइंट है, और व्हाइट वाला और रेड वाला ये दोनों ऑडियो इनपुट का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और अलग से साइड पर ये जो पॉइंट दिखा जाता है ये वीडियो और ऑडियो आउटपुट का पॉइंट है। तो दोस्तों, अभी इस टाइम कुछ भी टीवी से ऑडियो और वीडियो आउटपुट करने का जो आउट करने के बाद जो वीडियो वो अभी कुछ भी लोग नहीं करता है, तो इसीलिए अभी नया नया पीसीबी जो मार्केट पर आया है बहुत कुछ मॉडिफाई होके ही आया है। तो दोस्तों, इसका ऊपर भी आपको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ये पीसीबी का जो ऑडियो वीडियो सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या मसला है, ये आपको डिस्कस करूंगा। और ऑडियो वीडियो नहीं आएगा तो आपको कौन सेक्शन अच्छा करके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब ये जो चाइना किट आप देख रहे हो, ये चाइना किट का जो मेन प्रोसेसर आईसी है ये 888 का आईसी है। और दोस्तों, चाइना किट का अंदर कौन कौन आईसी यूज़ होता है ये भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ क्लियर कर देगा, और इसका जो ऑडियो वीडियो पिन फंक्शन जो सिस्टम होता है ये भी आपको क्लियर कर देगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होगा, इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर देखिए एक छोटा सा आईसी देखा जाता है। ठीक है, ये जो आईसी का नंबर होता है 4053 का, ये छोटा सा एक आईसी है। ठीक है, 4053 का ये जो छोटा सा आईसी है, ये आईसी ऑडियो और वीडियो को स्विचिंग करने के बाद मेन प्रोसेसर आईसी को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ये आईसी को आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं एक ड्राइंग बना के रखा है, वो ड्राइंग में आपको अच्छा करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, आप देखिए ये जो आईसी है, बहुत कुछ पीसीबी पर यह आईसी नहीं दिखा जाता है, तो तब भी उसका बाद जो मॉडिफाई करके जो पीसीबी मार्केट पर आया है वो पीसीबी मेरे पास है। अब देखिए ये मेरे पास एक पीसीबी है, लेकिन अब देखिए ये पीसीबी का अंदर ये जो आईसी का जो गैप आप देख रहे हो, यहाँ पर कंपनी वो आईसी नहीं यूज़ किया है, और कुछ जम्पर करके ये पोजिशन को कंपनी काम रेडी किया है। तो दोस्तों, ये उसका बाद ये पीसीबी मार्केट पर आया है, और उसका बाद अभी मार्केट पर जो पीसीबी आया है, तो दोस्तों ये कैसे होता है ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये जो आईसी ओपन करके ये जम्पर करके किस तरह ये कंपनी कनेक्शन किया है ये आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, उसका बाद अभी मेरा पास एक नया पीसीबी है, एक न्यू पीसीबी है, न्यू चाइना किट है। अब देखिए ये एक नया न्यू चाइना किट है, लेकिन दोस्तों देखिए ये चाइना किट का अंदर ये नीचे वाला ये वीडियो इन और ये दोनों पिन वीडियो ऑडियो इन का पॉइंट है, और ऊपर वाला वीडियो आउट और ऑडियो आउट का दोनों पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, कंपनी ये पॉइंट को मॉडिफाई किया, कुछ भी पॉइंट पर आप वीडियो इन कर सकते हो, दो येलो पिन पर आप वीडियो इन कर सकते हो, और चारों पॉइंट पर आप ऑडियो इन कर सकते हो। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर वो आईसी का सिंबल भी नहीं है, बहुत पार्ट्स काम करके इसके जो ऑडियो वीडियो जो सिग्नल ये डायरेक्ट प्रोसेसर आईसी को दिया जाता है। दोस्तों, ये किस तरह होता है ये सब कुछ आपको क्लियर कर देगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा वो जो आईसी है, ठीक है, ये जो छोटा सा आईसी जो ऑडियो वीडियो इनपुट होने का बाद जिस आईसी पर जाता है, और वो आईसी AV12 को स्विचिंग करने के बाद ये जो आईसी, ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी को दिया जाता है, ये किस तरह इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं ये जो मैं ड्राइंग करके रखा है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको बहुत धीरे से समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो आईसी का नंबर है 4053 का आईसी, ठीक है, ये आईसी 16 पिन का आईसी है, ये 1 2 3 नंबर पिन है, ये 8 नंबर पिन है, और ये 9 नंबर पिन है, और दोस्तों ये 15 नंबर पिन है। तो दोस्तों, ये आईसी 8 वोल्ट सप्लाई से ऑन होता है, तो
यह आईसी के 15 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आना चाहिए। दोस्तों चाइना किट का जो 8 वोल्ट जाता है, मेन रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर होता है 5 वोल्ट और जो 8 वोल्ट रेगुलेटर होता है, स्टैंडबाई ऑन होने के बाद जिस रेगुलेटर से आउटपुट होता है 8 वोल्ट, वो सेक्शन से 8 वोल्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। जो वोल्ट आई के जो होता है, आई के बेसबोर्ड पर 8 वोल्ट जाता है, वो सेम लाइन से 8 वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ई आई सी का तीनों नेगेटिव पिन है। अब देखिए 6, 7 और 8 ये तीनों नेगेटिव पिन है। दोस्तों ये ड्राइंग आप अच्छा करके देखेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों टीवी के जो ऑडियो इन, ठीक है, आपको ऑडियो इन वीडियो इन सब कुछ देखा था। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये 1 नंबर पिन ऑडियो इन 2 है, ठीक है, 2 नंबर पिन ये ऑडियो इन 1 है, और ये 3 नंबर पिन वीडियो इन 2 है, ठीक है। दोस्तों ये तीनों पिन से ऑडियो वीडियो इन होता है, और दोस्तों इसका 4 नंबर पिन से वीडियो 2 ये आउट होता है, ठीक है, और ये 5 नंबर पिन से वीडियो इन होता है, ठीक है। और इधर वाला जो पिन आप देखिए, ये जो ये 16 नंबर पिन इसका सप्लाई पिन है, और 15 नंबर पिन ये पिन से ऑडियो आउटपुट होता है, ऑडियो 2 आउटपुट होता है, और 14 नंबर पिन से ऑडियो 1 आउटपुट होता है, ठीक है। और दोस्तों ये ऑडियो इन 13 और ये 12 और 13 नंबर ये दोनों पिन से ऑडियो इन होता है, ठीक है, ऑडियो इन 2 ये ऑडियो इन 1 है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये जो पिन है ये 9, 10 और 11 ये जो तीनों पिन है, ये तीनों पिन ए भी, ठीक है, ए भी आउटपुट का पिन है, ठीक है, ये ए भी आउट ये 1 पिन है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो इन ये देखिए 5 नंबर वीडियो 1 पिन है। तो दोस्तों ये जो आईसी का टोटल पिन फंक्शन, ये जो ड्राइंग करके मैं रखा है, ये देखेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये आईसी को ओपन करके कंपनी किस तरह मॉडिफाई किया है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पीसीबी पर जो ये आईसी है, ठीक है, ये जो छोटा वाला आईसी है, ये आईसी को ओपन करके आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है, कंपनी जो ये पीसीबी को मॉडिफाई किया है, कुछ जम्पर करके मॉडिफाई किया है। तो किस तरह ये जम्पर होता है आप देखिए, मान लो ये आईसी आपके पास नहीं है और ये आईसी को रिमूव करके आप जम्पर करके कनेक्शन कर सकते हो, तो किस तरह ये होता है देखिए। ये जो वीडियो इन 1 है, तो ये वीडियो इन 1 का साथ ये तीनों पिन का कुछ भी पिन का साथ जम्पर कर सकते हो। जम्पर करने के बाद इसका जो वीडियो इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद ये बाईपास हो जाता है, डायरेक्ट ये जम्पर से प्रोसेसर आईसी पर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मान लो ये एक जम्पर है, ठीक है, ये जम्पर से एक वीडियो इनपुट, फर्स्ट ये सॉकेट से इनपुट होने के बाद ये जम्पर से और आउटपुट होने के बाद जम्पर के बाद ये प्रोसेसर आईसी का पिन पर जाता है। तो प्रोसेसर आईसी का कौन पिन पर जाता है इसके ऊपर मैं लिख के रखा है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैं पिन फंक्शन लिख के रखा है, देखिए ये 22 और 32 पिन ये ऑडियो इन पिन है, ठीक है, और 20 पिन ये ऑडियो 1 पिन और 32 पिन ये ऑडियो 2 इन पिन, ठीक है, ये प्रोसेसर आईसी का, और 24 पिन ये वीडियो 2 इन पिन और 56 ये वीडियो 1 पिन, ठीक है, और 28, 29 पिन ये ऑडियो आउट पिन, ये जो ऑडियो आउट ये साउंड आईसी पर जाता है, ठीक है, प्रोसेसर आईसी से, ठीक है, और 28 पिन ये ऑडियो 1 पिन, 29 पिन ये ऑडियो 2 पिन और 61 पिन ये म्यूट पिन है। दोस्तों ये 61 पिन जो म्यूट पिन है इसके ऊपर और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी जो न्यू पीसीबी मार्केट पर आया है इसका ऊपर मैं एक थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा है। तो दोस्तों ये ड्राइंग देखेगा तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा और क्लियर नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैं ये जो ड्राइंग करके रखा है, तो दोस्तों ये जो न्यू पीसीबी मेरा पास ये है, ये न्यू पीसीबी, ये कुछ भी पिन से आप ऑडियो वीडियो इन कर सकते हो, ठीक है। दोनों जो ग्रीन पॉइंट है, ये सॉरी येलो पॉइंट है इनपुट का, ये दोनों पिन से कुछ भी पॉइंट से वीडियो इन कर सकते हो, और ये चारों जो पॉइंट है कुछ भी एक पॉइंट पर ऑडियो इन करेगा तो वो एक ही ऑडियो प्रोसेसर पर जाएगा और दोनों स्पीकर वो बाजेगा, ठीक है दोस्तों। तो पीसीबी आपको बाद में दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके और ड्राइंग का ऊपर आपको समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक वीडियो इन पिन है, ठीक है, ये वीडियो किस तरह प्रोसेसर आईसी पर जाता है आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये सिंपल सा ड्राइंग है, ठीक है,
ये देखिए, डायरेक्ट वीडियो ई सिग्नल इनपुट होने के बाद एक कैपेसिटर पर जाता है, बीच में कैपेसिटर दिया जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटर, ये जो सिग्नल इनपुट होता है आईसी के अंदर, ये फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। और इसका कैपेसिटर का वैल्यू कितना होता है, चाइना किट के अंदर मैं जो देखा है, इसका जो कैपेसिटर 0.47 माइक्रोफेराड 15 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर होने के बाद ये डायरेक्ट देखिए ये आईसी का 24 नंबर पिन पर जाता है। तो दोस्तों, ये आईसी का जो वीडियो इन पिन दोनों पिन होता है, लेकिन एक पिन पर आप वीडियो इन करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वीडियो इन पिन का जो पिन है ये 24 नंबर पिन है। तो दोस्तों, पहले ही आपको बताया, देखिए ये जो पिन, ये 24 नंबर पिन वीडियो टू पिन है, ठीक है, और वीडियो वन पिन 56 पिन है। तब 56 पिन पर भी इन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो यहाँ पर इन होने के बाद आईसी का जो प्रोसेसिंग सिस्टम, ये दोस्तों प्रोसेसर आईसी है, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद जो टोटल वीडियो सिग्नल को अलग अलग जो आरजीबी कलर कंपोजिशन करके, ठीक है, ये आरजीबी जो पिन होता है, आरजीबी पिन से आउटपुट देता है, जो आरजीबी का साथ कलर का साथ वीडियो कंपोजिट सिग्नल वो बेसबोर्ड पर जाता है, ठीक है, और बेसबोर्ड से वो पिक्चर ट्यूब पर वो जाता है, कलर कंपोजिशन वीडियो सिग्नल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये तो वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बात है, लेकिन दोस्तों और क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, वीडियो नहीं आएगा तो क्या आपको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको यहाँ पर वीडियो सिग्नल इनपुट करके देखना पड़ेगा। तो वीडियो जो मशीन होता है, सीडी डीवीडी जो सेट टॉप बॉक्स कुछ भी हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीडियो सिग्नल ओके आने के बाद तब भी आपको जो चेक करना पड़ेगा कि बीच में एक रेजिस्टेंस दिया जाता है, जो ग्राउंड का साथ ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चाइना किट के अंदर मैं जो देखा है 150 ओम्स का ये रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये जो सिग्नल लाइन को नॉइस जो होता है, नॉइस होने के बाद वो नॉइस को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों, उसका बाद ये जो मैं जेनर डायोड में, यहाँ पर एक डायोड देखा जाता है, अधिकतर जेनर डायोड ही होता है, मैं ये डायोड का सिंबल नॉर्मल डायोड जैसे ये मैं करके रखा है, लेकिन यहाँ पर जेनर डायोड देखा जाता है। तो दोस्तों, वो जेनर डायोड सेम तरह वो सिग्नल नॉइज को ग्राउंड कर देता है, ठीक है। कभी कभी ये जेनर भी शॉर्ट हो जाता है, ये बैंडेड पीसीबी पर ये जेनर देखा जाता है। तो ये जेनर शॉर्ट होने के बाद ये जो टोटल सिग्नल ग्राउंड पर चला जाएगा तो वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन जिस पीसीबी पर ये जेनर दिखा जाता है वो जेनर अधिकतर फॉल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, बीच में ये जो कैपेसिटर दिखा जाता है, ये कैपेसिटर फॉल्ट होगा तो सिग्नल इधर से इधर नहीं जाएगा, तो ये लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये लाइन डायरेक्ट आईसी पर चला जाएगा, चले जाने के बाद उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक वो पिक्चर ट्यूब पर आएगा। दोस्तों, ये तो वीडियो के बारे में आपको बताया, उसके बाद आपको बताऊंगा जो ऑडियो सिग्नल, ठीक है। मान लो ये दो ऑडियो इनपुट पॉइंट है, तो अभी जो मॉडिफाई करके पीसीबी मार्केट पर आया, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑडियो का जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को ऑडियो इनपुट का एक साथ ज्वाइन करके कनेक्शन किया है। ज्वाइन करने के बाद एक ही लाइन से ऑडियो को इनपुट किया जाता है, तो बीच में एक रेजिस्टेंस दिया जाता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सेम तरह ये जो वीडियो सिग्नल को फिल्टरिंग करने के लिए, सॉरी, नॉइस रिमूव करने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज होता है, सेम तरह यहाँ पर 33K का एक रेजिस्टेंस यूज है, ठीक है। ये नॉइस को फिल्टरिंग करता है, ठीक है, नॉइस को ग्राउंड कर देता है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर इस लाइन पर है, सेम तरह यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो वैल्यू है 0.4 माइक्रोफेराड 15 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। और ये ऑडियो सिग्नल डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, देखिए प्रोसेसर आईसी का 22 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो मैं लिख के रखा है, 22 नंबर पिन क्या है, ऑडियो इन वन पिन है, ठीक है, ऑडियो इन वन पिन है। और 32 पिन, ये ऑडियो टू पिन है, आप 32 पिन पर भी इन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये ऑडियो पिन तो आपको दिखा दिया, वीडियो पिन दिखा दिया, और ऑडियो ये 22 नंबर पिन पर इन होने के बाद, ठीक है, ये अलग एक आईसी पिन से, ये 28 नंबर पिन है, ये पिन से ऑडियो आउटपुट होता है, ठीक है, 28 नंबर ऑडियो आउट पिन है प्रोसेसर आईसी का। तो दोस्तों, ये जो 28 नंबर पिन है, अब देखिए मैं लिख के रखा है, 20 पिन ये ऑडियो वन आउटपुट पिन है, ठीक है, ये पिन से आउटपुट होता है। और ये आउटपुट होने के बाद ये डायरेक्ट सिग्नल एक म्यूट ट्रांजिस्टर पर आता है, और ट्रांजिस्टर का बाद ये सिग्नल डायरेक्ट ऑडियो आईसी पर चला जाता है। तो दोस्तों, मान लो ये ऑडियो आईसी है, ठीक है। तो दोस्तों, यह सेक्शन पर एक जो म्यूट ट्रांजिस्टर है, ये किस तरह काम करता है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए,
जिस टाइम ऑडियो सिग्नल इनपुट करने के बाद ये प्रोसेसर इस पर जाएगा और जाने के बाद यहाँ से वो सिग्नल वो ऑटोमेटिक इधर काट देगा और एक ट्रांजिस्टर का पिन पर ये दे देगा, ठीक है। देने के बाद ये सिग्नल ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑडियो आईसी पर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये टीवी का मालिक जब कमान करेगा कि साउंड को स्टॉप कर दीजिए, तो रिमोट से जब आप म्यूट बटन दबाएगा, म्यूट बटन दबाने का साथ साथ तो ये ट्रांजिस्टर बताएगा कि मुझे को साउंड ऑफ करने के लिए बात है, तो ये तुरंत साउंड ऑफ कर देता है। किस तरह, जब म्यूट बटन दबाएगा, दबाने के बाद ये प्रोसेसर आईसी का एक म्यूट पिन होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसर आईसी का अलग अलग पिन फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, वो प्रोसेसर का जो पिन फंक्शन वो किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आप गूगल से आईसी नंबर और डाटा शीट सर्च करके उसका पिन फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये एक म्यूट पिन है, तो जब म्यूट सिग्नल म्यूट बॉटम दबाने के बाद यहाँ से एक सिग्नल तुरंत साथ साथ ये जो म्यूट ट्रांजिस्टर है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो ऑडियो सिग्नल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये म्यूट सिग्नल दबाने के बाद ये ट्रांजिस्टर बताएगी आप स्टॉप हो जाइए, तो साथ साथ ये सिग्नल ग्राउंड पर चला जाता है। जब ग्राउंड पर चला जाएगा तो ऑडियो नहीं आएगा और साउंड स्पीकर से ऑडियो नहीं आएगा, जो जो साउंड होता है वो नहीं आएगा, लेकिन ऑडियो आईसी वो एक्टिव है। तो दोस्तों, जब साउंड नहीं आएगा तो आपको ये ट्रांजिस्टर की भी चेक करके देखना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर को रिमूव करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ऑडियो आईसी ओके है कि ना, इसलिए आपको ऑडियो जो पिन होता है, मान लो एक ऑडियो पिन, ये ऑडियो पिन पर आप टच करेगा तो थोड़ा सा नॉइस देगा, ठीक है। टच करेगा तो स्पीकर पर एक नॉइस देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑडियो आईसी ओके है, आपको सिग्नल लाइन का कुछ भी प्रॉब्लम है ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो लाइन के अंदर और ये बीच में जो कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये लाइन का पूरा आपको चेक करके और ट्रैक करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद आपको जो बताऊंगा, ये जो चाइना किट के अंदर जो प्रोसेसर आईसी देखा जाता है, ये प्रोसेसर आईसी का नंबर 8873 भी हो सकता है, 8895 भी हो सकता है, 8896 भी हो सकता है, 8893 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये ड्राइंग आप कैप्चर करके रख सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा देगा। और दोस्तों, ये जो मैं सब कुछ पिन नंबर का फंक्शन मैं लिख के रखा है, ये आप कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो लास्ट में जो आईसी जो ऑडियो वीडियो स्विचिंग का आईसी है 4053 का, ये आईसी का डायग्राम आप कैप्चर करके रख सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो तब भी आपको थोड़ा सा ये जो चाइना वाला पीसीबी है, ये पीसीबी लेके आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो चाइना पीसीबी है, अभी ये नया पीसीबी मार्केट पर आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन पिन है, ठीक है, ये देखिए, ये जो वीडियो इन पिन है और ये आउटपुट का पिन है। लेकिन दोस्तों, ये दो पिन को शॉर्ट करके कंपनी कनेक्शन किया है। देखिए, ये जो पिन लाइन जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है। आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक जम्पर है, ठीक है, यहाँ पर एक जम्पर है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये दोनों पिन को कंपनी शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट करने के बाद दोस्तों, आप ये लाइन को अच्छा करके ट्रैक करेगा तो आप देख सकते हो ये एक पॉइंट पर आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो टू का पॉइंट है, यहाँ पर एक जैक है, देखिए, ये जो जैक है, ये वीडियो टू का जैक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये वन टू सब एक साथ हो गया, कंपनी एक साथ काट दिया। तो दोस्तों, देखिए, ये जो लाइन जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस ये ग्राउंड पर है, जो मैं आपको ड्राइंग में दिखाया। और दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का थ्रू बीच में एक कैपेसिटर दिखा जाता है। और एक कैपेसिटर के बाद दोस्तों, देखिए, ये जो लाइन जाता है, आप ध्यान से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा, ये एक आईसी का पिन पर जाता है, जो वीडियो इन पिन है, ठीक है दोस्तों। ये तो लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, ये वीडियो लाइन हो गया। तो अब ऑडियो लाइन के बारे में आपको देखाऊंगा। देखिए, ये दोनों ऑडियो का इन पिन है, देखिए, ये दोनों ऑडियो का इन पिन ज्वाइंट है। लेकिन दोस्तों, ये ऑडियो का जो आउट पिन, ये दोनों पिन ज्वाइंट है। और दोस्तों, देखिए, ये दोनों पिन को एक साथ कंपनी जम्पर करके जॉइन कर दिया है। दोस्तों, ये जम्पर एक बार आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जम्पर ये सॉकेट का नीचे है, ठीक है। तो तब भी आप अच्छा करके देखिए, ये जो W वाला नंबर है, ये जम्पर है। तो दोस्तों, J भी लिखा सकते हो, जम्पर का जो नंबर, ठीक है।
तो ये जो जम्पर और ये चारों पिन तो एक साथ हो गया होने का बाद ये जो लाइन जाता है आप देखिए, ये एक लाइन इधर जाने के बाद एक्चुअली ये वीडियो सॉरी ऑडियो वन का लाइन है। ये लाइन पर कुछ भी कंपनी कनेक्शन नहीं किया है, ये ओपन करके छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये लाइन को और अच्छा करके आप देखेगा तो मान लो ये तो जॉइंट है, ये तो जॉइंट आपको दिखाया, तो ये लाइन देखिए यहाँ पर एक जम्पर है और जम्पर के बाद ये जो लाइन जाता है देखिए बीच में, ये लाइन से यहाँ तक एक ग्राउंड का साथ ये रेजिस्टेंस है क्योंकि नॉइस को फिल्टर करने के लिए और नॉइस को आप रिमूव कर सकते हो, बोल सकते हो कि नॉइस को रिमूव करने के लिए ये एक रेजिस्टेंस दिया गया है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के बाद देखिए कैपेसिटर है, ठीक है, जो जो कैपेसिटर का वैल्यू है 0.47 माइक्रोफेरेट का, ठीक है। तो उस तब थोड़ा सा कम ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये लाइन देखिए, ये जो लाइन जाता है अब लाइन ट्रैक करेगा तो ये एक आईसी का पिन पर चला जाता है जो ऑडियो सिग्नल यहाँ पर इनपुट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको बहुत कुछ ये वीडियो देखने के बाद सीखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि उसका अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, वहाँ पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में। थैंक यू दोस्तों।